देखिए, यहाँ का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार जो गड्ढा मुक्ति का वादा और सदन से लेकर सदन में भी कहने का काम करती है, उसका पूरा पोल खुल चुका है। और कल हमारे धान रोपने से कुछ प्रशासन को ये महसूस हुआ कि वास्तव में सड़क ज़्यादा ख़राब है, तब आज जो है इस पे जो है लाकर बोल्डर डाल रहे हैं। आज भी यहाँ से गुजरने वाले लोग को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जनता आज भी ये कह रही है कि विधायक जी इस रोड को बनवा दीजिए। क्या ये बन जाएगी? जब तक ये रोड पूर्णतः बन नहीं जाती है, हमको भरोसा नहीं है इस सरकार पर। पहली तारीख को आप धरना होना पर बैठने के लिए कह रहे थे अगली बाइट में, हाँ, क्या रोड को इस समय काम चल रहा है रोड पर? नहीं, जब तक ये रोड नहीं बन पाएगी, अगर तेज़ी से इस रोड को मोटरेबल कर देंगे, जगह जगह गड्ढा भर देंगे, आने जाने के लिए जब लोगों के को परेशानी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हम जनता के लिए हैं और जनता की आवाज़, जनता की उस जनहित के मुद्दों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक उठाने का जो वादा किए थे उसको मैं पूर्ण करने का काम कर रहा हूं। अगर सरकार फिर भी अगर पूरा नहीं करेगी तो मेरा आंदोलन चालू रहेगा। अब तो गिट्टी गिर रही है, दो चार तरह इस पर हमें भरोसा नहीं है। अभी आपको भरोसा नहीं है? हमको भरोसा नहीं है। तो कैसे आपको भरोसा होगा? हमको तब भरोसा होगा जब जनता इस पर आराम से आने जाने लगेगी, तब हमें भरोसा हो जाएगा, मोटरेबल हो जाएगा, तब हमें भरोसा होगा। सरकार तो बार बार दावा कर ही रही है गड्ढा मुक्त सरकार कर ही रही है। आप देख रहे हैं ना कितना एक जगह कितने ट्राली जो है इसमें ईटा पड़ रहा है। एक जगह अभी यहाँ खड़े हैं आप, छः ट्राली तो अभी गिराया है, अभी भी खाली पड़ा हुआ है। एक जगह इतने यानी 10 ट्राली भी अगर गिराएंगे तो ये गड्ढा एक जगह का नहीं भरेगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की हालत और स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इसी जनपद में रहते हैं और इसी रोड से आते और जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, वो आरोप लगाते हैं। मैं उनसे जवाब पूछना चाहता हूं कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो इसी सड़क पर वो धान रोपते थे, अब वो कहाँ गए? ये लगातार 7 सालों से खराब है रोड, और लगातार मैंने हर जगह हर प्लेटफार्म पर मैंने उठाया है। अब बताइए, अगर इसके बावजूद भी जिला प्रशासन चेता है तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिला प्रशासन के लोगों को, इस रोड की गंभीरता और एक्शन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मेहनत करके इतना जो है टोकरी गिरवाने का काम किया है। अब देखना है ये है कि क्या अगले दिन भी इस रोड पर जो है टुकड़ी गिरेगी, गड्ढा भरा जाएगा कि मात्र एक दिखावा ही रह जाएगा। आप एक बार कहे थे कि हम जब धरना पर बैठे थे तो 2-4 ट्राली गिट्टी गिरा करके और बंद छोड़ दिए, हाँ छोड़ दिए। ऐसा इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। आपको इसमें कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कुछ और करती है कुछ। अच्छा विधायक जी, आपकी एक तो फोटो और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप विकास कार्यों को लेकर के योगी मुख्यमंत्री जी से मैंने इसी रोड के लिए मैंने मिला था और हाथ जोड़कर मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप इस रोड को बनवा दीजिए, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अब तक कोई DM महोदय को निर्देश नहीं आया है। अब तक यहाँ का PWD का अधिकारी एक्शन जितना ये काम करा रहे हैं ये उन्हीं के सहयोग से अभी तक हो रहा है। जब तक पैसा नहीं आ जाता है हमारे धरने से और हमारे धान रोपने से, प्रशासन के लोगों को शर्म आने लगी, एक्शन महोदय से लेकर जो PWD के अधिकारी उनको शर्म आने लगी, तब जाकर ये जो है लाकर टुकड़ी गिरवा रहे हैं। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि विधायक जी योगी जी से मिले हुए हैं, मिलकर आए, उसके बाद योगी जी डंडा किया है, तो अब कंकड़ पत्थर सब कुछ नहीं, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। अगर मैं पैसा आता तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देता, लेकिन दुर्भाग्य है कि
कि इतनी इस प्रदेश की सबसे खराब रोड होते हुए भी मैं विपक्ष का विधायक हूं, इसलिए हमारे साथ दो नेत्र किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की हालत है। अगर ये बन जाती है रोड तो निश्चित रूप से जनता के संघर्ष का, जनता ने जो हमारे साथ संघर्ष किया है, जो हमारे साथ धान रोपा है, जगह जगह धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, ये उसकी मेहनत की देन होगी। योगी जी, इसको अगर प्लेन रोड एकदम बनवा दे रहे हैं 9:30 से, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे भाई। सरकार जनता इसीलिए चुनती है कि जनहित के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम दो बिनाएं न करें, पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाए। लेकिन आज भी पक्षपातपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मैंने आपके साथ लग रहा है कि सरकार दो बिना कर रही है। दो बिना आप कैसे होगा? आपके एक धरने पर सरकार यहाँ कितनी बालू जाकर के रोड बनवा रही है। मैंने 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 जो है धान रोपा है, अभी मात्र ये 8-10 टाली गिट्टी आई है और ये 11 किलोमीटर की रोड है। आप समझ सकते हैं कितनी जो है गिट्टी लगेगी। अगर बन जाए तो मैं धन्यवाद दूंगा, बन तो जाए। अच्छा, क्या लगता है, सालों से ये रोड ऐसे ही पड़ा है क्या? 7 साल हो गए, 7 साल, और 7 साल में ये स्थिति है। जब तक रोड नहीं बन जाती है तब तक हमें भरोसा नहीं है। बन जाएगी, जनता दौड़ने लगी, आने जाने लगेगी, हमारे बुजुर्ग आने जाने लगे, बच्चे आने जाने लगेंगे, तो हमें भरोसा और विश्वास हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के कुछ गांव के जो नेता होते हैं, लोग बता रहे थे कि उधर रास्ते में हम लोग को बताया कि विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, और विधानसभा सत्र से पहले विधायक जी ने इस पर संघर्ष किया, और उसके बाद ये लोग गाजीपुर के DM या एक CM जो भी कुछ संबंधित अधिकारी हो, वो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं लोग कि विधायक जाकर के विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा। नहीं, सदन में तो उठाएंगे ही, बात अपनी बात तो पूरी रखेंगे जी। ऐसा नहीं है, जब तक अभी कहाँ हो गया, अभी दिखाओ, ये दिखाओ इधर, ये पूरा गड्ढा लगा हुआ है, आप दिखाओ ना, ये जनता को दिखाओ, आप गिरा रहे हैं ना, जैसे गिट्टी गिरा, आगे भी देखो, अभी चारों तरफ तो गड्ढे गड्ढा दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूँ, जब तक मोटरेबल रोज नहीं हो जाता है तब तक मैं नहीं मानूंगा। अभी इस गड्ढे मुख से आप संतुष्ट नहीं है? अभी नहीं, जब तक जनता आने जाने न लगे, ये इसमें जो बार बार गिरती थी मोटरेबल हो जाए, तब हमें संतुष्टि होगी। धन्यवाद।